नमस्कार दोस्तों, मस्ती वीडियो ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम मौर्या। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महाशक्ति पीठ आश्रम मोहनिया सोनभद्र का वीडियो दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि यह महाशक्ति पीठ आश्रम मोहनिया सोनभद्र है। यहां से मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। आज रविवार का दिन है, आज भंडारा होने जा रहा है, मैं इसका वीडियो दिखाने वाला हूँ, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, मोहनिया धाम की खुशखबरी आप लोगों को आ गई है, सबसे बड़ी। दोस्तों मोहनिया धाम में रविवार, सोमवार, मंगलवार तीन दिन मंदिर खुला रहेगा। तीन दिन गुरुजी मंदिर में बैठेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों, मोहनिया धाम में रविवार, सोमवार, मंगलवार के दिन भंडारा भी चलेगा। लगातार तीन दिन भंडारा चलेगा। जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, उन लोगों के रहने के लिए व्यवस्था, खाने के लिए भी व्यवस्था, सोने के लिए व्यवस्था, यहाँ पर सारी व्यवस्था उपलब्ध है दोस्तों। और मैं आप लोगों को रास्ते के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग बिहार से आ रहे हैं, तो बिहार से ट्रेन से आप सीधे आएंगे मुगलसरा रेलवे स्टेशन से आप मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन जाएंगे, और वहाँ से आप बस पकड़ करके 50 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुपुरा मोड़ है दोस्तों। विष्णुपुरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर महाशक्ति पीठ आश्रम मोहनिया सोनभद्र है। आप इस रास्ते से आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार साइड से बस से आना चाहते हैं, तो बिहार से आप सीधे आएंगे कहाँ, टेंगरा मोड़ से आप लोगों को सीधे बस से फिर आना पड़ेगा सोनभद्र रावस्टरगंज के लिए। और जब हिंदवारी रावस्टरगंज आप आ जाएंगे, तो वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुपुरा मोड़ है दोस्तों। विष्णुपुरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर महाशक्ति पीठ आश्रम मोहनिया है। आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं दोस्तों अगर आप झारखंड से आ रहे हैं, तो झारखंड से ट्रेन से आएंगे तो सिंगरौली से होते हुए चोपन से होते हुए रावस्टरगंज से होते हुए खैराही और लूसा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आप उतर के 7 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुपुरा मोड़ है। दोस्तों अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से आना चाहते हैं, तो ट्रेन से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं। मैं आप लोगों को ट्रेन से बता रहा हूं। आप छत्तीसगढ़ से सिंगरौली से होते हुए चोपन, सिंगरौली रेलवे स्टेशन है, वहां से आपको गाड़ी मिलेगी चोपन के लिए। चोपन से होते हुए खैराही और लूसा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से रेलवे स्टेशन लूसा से आपको बस या टेम्पू से आना पड़ेगा, जो कि विष्णुपुरा 7 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मोहनिया धाम है। विष्णुपुरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर मोहनिया धाम है दोस्तों। आप आ सकते हैं इसी रास्ते से। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रास्ते के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया। अगर जो लोग लखनऊ साइड से आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं, वो लोग ट्रेन से भी आ सकते हैं। लखनऊ से आप सीधे आ सकते हैं मिर्ज़ापुर से आप बस पकड़ करके विष्णुपुरा आ सकते हैं, जो कि विष्णुपुरा की दूरी 50 किलोमीटर है दोस्तों। आप इस रास्ते से आ सकते हैं। विष्णुपुरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर मोहनिया धाम है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर नवरात्र के समय में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर लूंगा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, जो भी हो, जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो यहाँ पर आता है। उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है माता रानी की कृपा से, बुढ़िया माई की कृपा से। सभी लोगों का यहाँ पर कल्याण होता है दोस्तों। और यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार तीन दिन यहाँ पर गुरुजी बैठते हैं। सभी लोगों को, सभी भक्तों को यहाँ पर देखते हैं। और लगातार तीन दिन भंडारा भी चलता है दोस्तों, जो कि भंडारे का समय है 12 बजे से 1 बजे के बीच में। रविवार सुबह से दरबार चलेगा, 12 बजे बंद होगा, 1 बजे से फिर से शुरू दरबार शुरू होगा, जो कि शाम 5 बजे तक चलता है। और 12 से 1 बजे सभी भक्तों को भोजन कराया जाता है प्रसाद के रूप में। तो मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया दोस्तों।
यहाँ पर सबसे बड़ी बात है बुढ़िया माई की कृपा सबसे महान है दोस्तों, जो कि उन्हीं के कृपा से सभी लोगों का कल्याण होता है। और सामने देख सकते हैं गुरुजी हैं, सभी भक्तों को प्रसाद देख रहे हैं कि सभी भक्तों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अच्छे से। तो इस वीडियो में आप लोगों ने सारी जानकारी प्राप्त की दोस्तों। दोस्तों जो लोग फोन करना चाहते हैं वो लोग फोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे को दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों तो सामने आप देख सकते हैं कि महाशक्ति पीठ आश्रम महुरिया मंदिर है, यहाँ पर सभी भक्तों का कल्याण होता है। आप सामने देख सकते हैं अगर कल्याण नहीं होता तो यहाँ पर इतनी जनता नहीं आती दोस्तों। ये बुढ़िया माई की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ यहाँ पर चल रहा है दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी।